हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल आप पे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके इस चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पीटी 2023 मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। इसमें जो है हम लोग कुछ आज परसेंटेज के क्वेश्चंस मैं आप सभी को बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन उसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं या वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज मैं परसेंटेज के सवाल आपको बताने वाला हूँ। एक आध दो क्वेश्चन भी लिखा हूँ। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, 40% व्यक्ति समाचार एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार वाई पढ़ते हैं और 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। मतलब कि जो समाचार पत्र एक्स और समाचार पत्र वाई को भी पढ़ते हैं, ठीक। ऐसे कितने लोग हैं? 10%। तो प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत व्यक्ति ना, कितने परसेंट आदमी ऐसे हैं कि जो ना तो समाचार एक्स पढ़ते हैं और ना ही समाचार वाई पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के सवाल जो है हम वेन डायग्राम से करते हैं, ठीक। चलिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। जगह है इसका सलूशन, ऑप्शन यहाँ दिया गया है 20%, 25%, 12.5%, 33.5%। तो इसमें से कौन सा सही होगा यदि आप लोग कोई करना चाहता है तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, अन्यथा हम आपको बता रहे हैं। देखिए तो वेन डायग्राम हम इसका बनाएंगे। मान लीजिए समाचार एक्स पढ़ने वाले हैं और ये समाचार वाई, ठीक। ये समाचार एक्स पढ़ने वाले हैं, ये समाचार वाई। समाचार एक्स पढ़ने वालों का प्रतिशत कितना है? 40। तो इनका मान लीजिए ये 40% है और समाचार वाई पढ़ने वाला का प्रतिशत कितना है? वाई पढ़ने वाले व्यक्ति जो है ये 50% है। ऐसे व्यक्ति जो समाचार एक्स और समाचार वाई दोनों पढ़ रहे हैं उनका जो है ये जो कॉमन है इसमें ये जो है 10% है, ठीक। ये समाचार एक्स भी पढ़ रहे हैं और समाचार वाई भी पढ़ रहे हैं। अब बताइए हमें आप लोग, केवल एक्स पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? समाचार एक्स पढ़ने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना होगा केवल एक्स पढ़ने वाला? तो 40 में से हम जब 10 को घटाएंगे तब ये हमारा आएगा 30%। तो 30% व्यक्ति ऐसे हैं जो समाचार एक्स को पढ़ते हैं केवल, और वाई केवल वाई पढ़ने वाले व्यक्ति कितने हैं? तो 50 में से हम 10 को घटाएंगे तो 40% व्यक्ति ऐसे हैं जो समाचार पत्र वाई को पढ़ते हैं। अब पूछ रहा है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो इनमें से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? केवल एक्स पढ़ने वाले 30, केवल वाई पढ़ने वाले 40 और दोनों को मिला के पढ़ने वाले जो है वो 10। तो कितना हो गया? 30 + 40 + 10। कुल समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या कितनी है? 40, 30, 70, 10, 80। 80% ऐसे लोग हैं जो कुल समाचार पत्र पढ़ते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो समाचार पत्र पढ़ते नहीं हैं? तो हम क्या करेंगे, 100 में से 80 घटाएंगे जब, तब हमारा निकल कर आएगा 20। तो 20% व्यक्ति ऐसे हैं जो समाचार पत्र ना तो एक्स पढ़ते हैं और ना ही वाई पढ़ते हैं, ओके। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन हमारा बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी जो है रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं? मतलब परीक्षा होती है उसमें 70% लोग जो है फिजिक्स में उत्तीर्ण होते हैं, भौतिकी मतलब फिजिक्स, 70% लोग जो है फिजिक्स में पास होते हैं और 80% लोग जो है वो रीजनिंग में पास होते हैं और 55% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास होते हैं, ठीक। 55% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फिजिक्स में भी और रीजनिंग में भी दोनों में पास होते हैं, ठीक। इसका भी जो सलूशन होगा वो वेन डायग्राम से ही बनेगा हमारा। तो वेन डायग्राम हमारा ऐसे बनेगा, ये मान लीजिए फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, ये फिजिक्स वाला है, ये रीजनिंग, ठीक, भौतिकी। तो भौतिकी में 70% लोग उत्तीर्ण होते हैं तो 70%, और रीजनिंग में 80%। 55% वाला हमारा ये है, ये वो छात्र हैं जो फिजिक्स में भी और रीजनिंग में दोनों में उत्तीर्ण होते हैं। तो पूछ रहा है अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या। तो केवल फिजिक्स में अगर हम बात करें केवल भौतिकी में उत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत कितना है,
तो 70 में से हम 55 को जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 15 प्रतिशत अभ्यर्थी ऐसे हैं जो केवल भौतिकी में उत्तीर्ण होते हैं। और यदि हम बात करें केवल रीजनिंग में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या प्रतिशत कितना है, तो 80 में से हम 55 को हटाएंगे तो हमारा निकल कर आएगा 25%। 25% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो केवल रीजनिंग में उत्तीर्ण होते हैं। ओके, तो कुल कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं इसको जानकारी के लिए हम क्या करेंगे, 15 + 25 + 55 55 + 60 + 65 + 75 + 85 + 95 तो 95% अभ्यर्थी जो है कुल उत्तीर्ण होते हैं। और कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए, तब हम क्या करेंगे 100 में से 95 को घटा देंगे तब हमारा यहाँ से निकल कर आएगा 5। तो 5% अभ्यर्थी जो है ये अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार के सवालों के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगा, समझ लीजिए आपकी मैं पेट की तैयारी ऐसी करवा दूंगा, आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकेंगे। और ढेर सारे ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।